आशुतोष शुक्ला फ्रॉम प्रगति नोट्स। और आज हम बात करेंगे यूपीएसएससी ने जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए किया है उसके बारे में, और उसका एडवांटेज क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको हम बताएंगे कि परसेंटाइल क्या है। वैसे मैंने परसेंटाइल एक साल पहले ही बता दिया था IIT JEE और उनके लिए, तो वो वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि परसेंटाइल होता क्या है, जिससे आप लोग समझ जाएं परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत फर्क है। ठीक है, घबराना नहीं है। और आयोग का काला सच के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इस स्क्रीन पे जो लिखा था कि यूपीपीईटी जो है वो एक अच्छा कदम है सरकार के द्वारा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि अगर आप पीईटी को तो पास करने के लिए जो कॉमन सिलेबस है तो वो आपको पास करना ही पड़ेगा। और अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो मान लीजिए जैसे 5 लाख लड़के बैठे हैं तो उसमें जो 50,000 सेलेक्ट होंगे वो 90% से ऊपर होंगे। मैं उसका डिस्क्रिप्टिव आपको बता दूंगा कि कैसे परसेंटाइल निकाला जाता है। ठीक है, परसेंटाइल और नंबर परसेंटेज में वेरी डिफरेंस है, तो उसको नहीं करना है। तो ठीक है, तो उससे क्या होगा कि देखिए पीईटी जो मेन एग्जाम जो होगी पीईटी होगी उसमें आपको सेटिंग करके अगर आप पास भी हो जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप मेंस में जो है वो पास होंगे। या अगर अगर आप मेटोरियस स्टूडेंट नहीं है, अच्छे स्टूडेंट नहीं है, तो आप पीईटी ही नहीं पास कर पाएंगे और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि धांधली ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो जो पैसे के जो सेटर हैं वो दो दो जगह उनको सेटिंग करनी होगी। मान लीजिए पीईटी में वो पैसा दे भी देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो उनको मेंस में भी उस तरह की सेटिंग हो पाए। तो सेटिंग मान के चलिए कि 90% तक इससे रुक जाएगी। तो इसका एक ये एडवांटेज है। ठीक है, दूसरी चीज की परसेंटेज और परसेंटाइल होता क्या है, मैं उसका वीडियो 1.5 साल पहले बना चुका हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल होता क्या है। और आयोग का देखिए काला सच के बारे में हम बात ये करना चाहते हैं कि आयोग क्या है कि वैकेंसी को कोई क्लियर करना नहीं चाहती है 2020 में। 2021 से स्टार्ट करेगी और 2021 से स्टार्ट करेगी, वो भी मई या जून से उनको स्टार्ट करना है। और उसके बाद वो ज्वाइनिंग स्टार्ट करना शुरू करेंगे और उसके बाद वो मंच से बोलेंगे कि आप जाके अपने मोहल्ले में चेक करिए, किसी न किसी को नौकरी जरूर मिली होगी। और सही बात है कि मिली होगी, लेकिन जिस रेशियो में मिलना चाहिए उस रेशियो में नहीं मिली होगी। तो ये आयोग का काला सच है। और ये जो हैं ये लोग जितने भी यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं लगभग लोग आरएसएस के आदमी हैं, और यहाँ तक कि आयोग के जो चेयरमैन मतलब तो सदस्य हैं वो यहाँ तक कि रीजनल उपाध्यक्ष जो पद होती है उनको भी सदस्य बना दिया गया है। तो जो कि पोलिटिकली आज प्रॉपरली मुझे लग रहा है कि चैनल काम कर रहा है, तो वो आपको वैकेंसी की नियुक्ति नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एकदम आगाह कर दे रहा हूँ कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसी आ रही है, जो कि इस समय अच्छी वैकेंसी आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, उसके लिए लग जाइए। ज़्यादा सोचिए विचारिए नहीं, आपको 2020 से लेके 20 में तैयारी करते रहना है, करते रहना है। और 21 में उन पॉलिटिकल प्रेशर भी रहेगा प्लस इलेक्शन का प्रेशर रहेगा, तो आपको ज्वाइनिंग जरूर देंगे। जैसे कि आप देखे होंगे रेलवे जेई में बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए, क्योंकि वो 5 साल तक तो वैकेंसी नहीं आई थी, जब चुनावी बरसा आया तो आया, फिर उसके बाद अभी देखिए जो जेई में जो 13,000 लड़के हैं वो सब सेलेक्ट हो गए हैं। तो आपको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है, आपको पढ़ते रहना है और पढ़ते रहिए। और सरकार ऐसे ही है, कोई भी आएगी तो उसी तरह से काम करेगी, क्योंकि उनका एक प्रॉपर मोटो होता है, काम करने का तरीका होता है। ठीक है, तो आप सतर्क रहिए, थोड़ा सा सावधान रहिए और कर क्या सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।